रसोई में आज मैं बनाने जा रही हूँ अष्टमी नवमी में बनाए जाने वाली भोग की थाली। माता को तीन चीजें बहुत पसंद है, काले चने की सब्जी, हलवा और पूरी। आइए सबसे पहले हम काले चने की सब्जी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम काले चने को भिगाने के लिए रख देंगे। भीगने के बाद चने इस तरह से दिखाई देंगे। हम इसको चेक करने के लिए इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। अगर ये अच्छी तरह से भीग गए हैं तो इजीली ये टूट जाएंगे। हम एक कुकर लेंगे और उसमें भीगे चनों को उबालने के लिए डाल देंगे। इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, जिससे कि चनों में नमक अच्छी तरह से भीग जाए। अब हम धीमी आंच में इसे 4 सीटी लगने के लिए पकने देंगे। आइए अब हम काले चने के लिए मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है टमाटर 4 दाने और उसमें एक टुकड़ा हमने अदरक भी काट के डाला है। ले लेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 चम्मच लेंगे हम जीरा पाउडर, मिर्ची आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सौंठ का पाउडर, 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी और कुछ मैं इसमें डाल रही हूँ खड़े मसाले। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच सॉस भी मिक्स कर रही हूँ, जिससे काले चने का स्वाद ही बदल जाता है। 1 चम्मच हम इसमें पानी डाल लेंगे। अब हम इस मसाले को ग्राइंड करेंगे। हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम गैस में एक लोहे की कढ़ाई रखेंगे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में काले चने की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। आपके पास जो भी कढ़ाई हो उसमें भी आप बना सकते हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। दो तेज पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच धनिया डालेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे, 2 से 4 हम कड़ी पत्ता डालेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें अजवाइन भी डालेंगे, क्योंकि चना थोड़ा हैवी होता है तो उसको पचाने के लिए हमें चने की सब्जी में थोड़ा सा हींग और अजवाइन जरूर डालना चाहिए। और हम 1/4 चम्मच इसमें हींग भी डाल रहे हैं। अब हम इस तड़के में अपना पीसा हुआ मसाला डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार नमक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और हम इस मसाले को मंदी आंच में 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें उबले हुए चने मिक्स कर देंगे। अब हम चनों में थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और इसको इस तरह से मिक्स करके 2 मिनट ढक के इसको धीमी आंच में पकने देंगे, जिससे कि सारा मसाला चनों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे और अब हमारे चने पूरी तरह से रेडी हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से उनमें मसाला मिक्स हो गया है। अब दिखने में ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, इनका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब ये खाने के लिए पूरी तरह से
रेडी है। अब हम हलवा तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने गैस में एक कढ़ाई रख दी और अब हम लेंगे एक कटोरी घी। हलवा बनाने के लिए हमें समान मात्रा में सामग्री लगती है। आप अगर एक कटोरी का बना रहे हैं तो सभी चीज़ें एक एक कटोरी लगेंगी। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो क्वांटिटी बराबर करिए। घी गर्म हो गया है, हम इसमें डालेंगे एक कटोरी सूजी। अब इसको हम मंदी आंच में भून लेंगे। अब सूजी का कलर ब्राउन हो गया है, यानी हमारी सूजी तैयार हो गई है। सूजी को ब्राउन कलर होने तक हमें भूनना है। अब हम इसमें एक बाउल दूध ऐड करेंगे। एक बाउल शुगर भी हम इसमें डालेंगे। आप अपने आवश्यकता के अनुसार भी इसमें शुगर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब हलवा ऐसे गाढ़ा दिखने लगे तो आप समझिए कि आपका हलवा तैयार हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ऊपर से अब हम एक छोटा चम्मच घी इसमें डाल देंगे। अब हमारा हलवा पूरी तरह से रेडी है। अब हम पूरियों का आटा तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, जिससे पूरियों का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और एक चम्मच अजवाइन डालेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और मोवन के लिए एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। सबसे पहले हम आटे को मोवन कर लेंगे। आटा मोवन हो गया है, अब हम इसे पूरियों के लिए गूंथ लेंगे। फाइनली हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसे ऑयल लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। पूरियों के लिए यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, तो अब हम पूरियाँ बेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चकले में ऑयल लगा देंगे, जिससे कि पूरियाँ अच्छी से बेल जाए। अब हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और फिर उनको अब हमारी लोइयाँ बन चुकी हैं, तो अब हम इन्हें बेल के सेकना शुरू करेंगे। अब हमारी पूरियाँ रेडी हो गई हैं। चलिए अब हम माँ की थाली सजाते हैं। सबसे पहले हम चने की सब्जी बाउल में डालेंगे, जिसमें थोड़ा सा ऊपर से धनिया से सजा देंगे। अब हम दूसरे बाउल में हलवा डालेंगे, जो बहुत ही अच्छी तरह से बना है। अब हम डालेंगे पूरियां। फाइनली अब हमारी प्रसाद की थाली रेडी है।